आज वोटिंग है 43 सीटों पर विधानसभा को लेकर के, इसी को लेकर हम चतरा विधानसभा में हैं और देख सकते हैं हमारे बीच है रेशमी प्रकाश जी जो आरजेडी से कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उनसे मिलाएंगे और कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैडम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? इतने दिन प्रचार प्रसार के बाद आज चुनाव की घड़ी, जिसका इंतजार था आप लोगों का वो आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लगातार चुनाव प्रचारों में जिस तरह का समर्थन और कहिए कि स्नेह प्रेम सम्मान मुझे मिला है, उससे बिल्कुल गदगद हूँ और ऋणी रहूँगी जिंदगी भर, क्योंकि इतना सम्मान और खास करके महिलाओं का जो साथ मिला है उसके लिए। और आज आपने सही कहा, वो घड़ी आ गई है कि सारे मेहनतों का आज फल मिलने वाला है और मुझे आशा ही नहीं बिल्कुल भरोसा है कि जो फल मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। क्या लगता है आप अगर जीतते हैं तो महिलाओं के लिए, आप महिला कैंडिडेट हैं, सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या सोचा है? देखिए महिला कैंडिडेट हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता तो महिला को ही दूंगी, जाहिर सी बात है। और महिलाएं हमारी कहिए कि बहुत पीछे चल रही थी इस क्षेत्र में, क्योंकि उनका नेतृत्व करने के लिए कोई महिला नेत्री नहीं थी जी। और अब देख सकते हैं खुशी महिलाओं के चेहरे में कि वो बिल्कुल झलकती है, कि उनको लग रहा है कि अब हमारे साथ खड़ा रहने के लिए, हमारा नेतृत्व करने के लिए महिला नेत्री आई हुई है। तो महिलाओं को देखिए समाज में समान अधिकार दिलाना, उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब मेरी प्राथमिकताएं हैं। शिक्षा से उनको जोड़ना महिलाओं के लिए मेरी ये खास प्राथमिकताएं हैं और मेरा मानना है और मैं चाहती हूँ और मैं कोशिश भी करूँगी कि महिला डिग्री कॉलेज मैं खोल के जाऊँ। एक आपको एक चीज़ हम मैं बता दूँ, रेशमी प्रकाश चतरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें कि आज तक महिला कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं हुआ था। ये रेशमी प्रकाश जी हैं जो पहले एक कीर्तिमान रच दी है। हार जीत तो अपनी जगह है, ये विजय होकर आती है तो एक अलग कीर्तिमान बनेगा, लेकिन इन्होंने पहले ही कीर्तिमान बना दिया। ये पहला कैंडिडेट एक ऐसा आया जो चतरा में विधानसभा में इतिहास रख लिख कर रख दिया, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था जो हो चुका है चतरा में। और एक चीज़ जानना चाहेंगे रेशमी जी, आपके जीतने के बाद कयास लगाया गया है जिस तरह नली गली से लेकर अन्य विकासों को लेकर, क्या वो लोगों का, चतरा विधानसभा के लोगों का वो पूर्ण करने वाली हैं आप? देखिए नली गली की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पूरे विधानसभा में जो रोडों का जाल बिछा हुआ है, नलियों का जाल बिछा हुआ है, गलियों का जाल बिछा है, ये शुभारंभ हो चुका है, बस इसे मेंटेन करके रखना और जो कहीं कहीं छूट गए हैं वो छूटे हुए जगहों को पूरा करना। क्योंकि देखिए रोड ऐसा है कि एक बार बना के आप ऐसा नहीं ज़िंदगी भर चलेगा, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं, उनको संवारना पड़ता है, फिर से उनको मरम्मत कराना पड़ता है। तो मेरा ध्यान रहेगा कि इस तरह की कमी मेरे क्षेत्र में बिल्कुल भी ना रहे, परिवहन के साधन बिल्कुल एकदम सही हों और जितने भी आवागमन के साधन हैं बिल्कुल सही रहें, रोड सही रहें, नलियाँ बनी रहे हर मोहल्ले में, पानी सब मोहल्लों में पहुँचे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं इतने दिनों से घूम रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, मुझे कहाँ क्या दूर करना है समस्याओं को, तो वो होगा। चलिए अभी मैंने मिलाया रेशमी प्रकाश जी से, इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मेरे जीतने के बाद जो चतरा में विकास की धारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है तो उसे पूर्ण कर ली जाएगी। अभी वो वोट कर देंगे, आज का दिन वोट है और हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में इस वोट को देखा जाता है। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामले न्यूज़। धन्यवाद।